गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग, और फोर्थ पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था क्लासीफाइंग। बच्चों अगर प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में टोटल हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए अभी तक, लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, नंबर 1 रिकॉर्डिंग एंड नंबर 2 क्लासीफाइंग। मैं आपको कह रहा था कि जो पॉइंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स के भी हैं और वो पॉइंट्स प्रोसेस के भी हैं। तो चलो प्रोसेस की बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, रिकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चों कि ऑल द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडियरी बुक्स विच आर नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पॉइंट मैंने बच्चों आपको बताया था क्लासीफाइंग, ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस, दिस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, एंड द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। यहां तक की बातें बच्चों हो गई थी, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस में अगला स्टेप क्या आता है, समराइजिंग। बोर्ड पर लिखा हुआ है समराइजिंग, कैरेक्टरिस्टिक भी आप कह सकते हैं, प्रोसेस भी आप कह सकते हैं। अब देखिए समराइजिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग, देयर आफ्टर क्लासीफाइंग। बच्चों क्लासीफाइंग करने के बाद समराइजिंग में हमने क्या करना है, समराइजिंग का मतलब है टू प्रेजेंट द क्लासीफाइड डेटा, टू प्रेजेंट द क्लासीफाइड डेटा इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन बिकम अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर द मैनेजर्स एंड अदर यूजर्स। बच्चों ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, इट इज यूज्ड बाय द मैनेजर्स, क्योंकि बिजनेस किसने रन करना है, मैनेजर्स ने, तो मैनेजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। और भी देर आर सो मेनी अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और भी पार्टीज है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो समराइजिंग का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो क्लासीफाइड डेटा है उनको अंडरस्टैंडेबल बनाना है, यूजफुल बनाना है, टू प्रेजेंट द क्लासीफाइड डेटा इन सच ए मैनर सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर द मैनेजर्स एंड अदर यूजर्स। अब क्वेश्चन है बच्चों कि हम उसको अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल कैसे करें। तो समराइजिंग के अंदर टोटल मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। समराइजिंग में क्या क्या करना है, समराइजिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। बच्चों रिकॉर्डिंग हमने कहां पे करी थी, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। क्लासीफाइंग हमने कहां पर किया, लेजर, ठीक है। अब लेजर के अंदर जो हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए थे, मैंने आपको बताया था कि सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी आइटम। राम अकाउंट अलग बनेगा, श्याम अकाउंट अलग बनेगा, कैश अकाउंट अलग, बैंक अकाउंट अलग, सैलरी अकाउंट अलग, रेंट अकाउंट अलग, हर आइटम का अकाउंट अलग बनेगा। तो समराइजिंग में आपने क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर में जो आपने इतने सारे अकाउंट्स बनाए हैं उनके बैलेंस निकालने। फॉर एग्जाम्पल ये राम हमारा कस्टमर है। बच्चों मैंने कहा था अकाउंट को एग्रीगेटेड फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो राम का अकाउंट हमने लेजर में बना रखा है, कैश अकाउंट हमने लेजर में बना रखा है, ठीक है, मोहन अकाउंट हमने लेजर में बना रखा है। तो जितने भी अकाउंट हमने लेजर में बनाए हैं उन सबके बैलेंस निकालने हैं। जैसे राम के अकाउंट का हमने बैलेंस निकाला सपोज 5000। ये राम हमारा कस्टमर है जिसको हम उधार माल देते हैं, इसका बैलेंस आ गया 5000, मींस रुपीज 5000 इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम राम। हमने राम से कितने रुपए लेने हैं, 5000, ये इसके अकाउंट का बैलेंस है। बच्चों चिंता मत करना कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, ये सारी बातें आपको डिटेल में सिखाई जाएगी स्टेप वाइज, हाउ टू मेक रिकॉर्डिंग, हाउ टू मेक पोस्टिंग, हाउ टू मेक बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो
तो राम का बैलेंस आ गया 5000, मोहन सप्लायर है, फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे हम उधार माल लेते हैं, इसका हमने बैलेंस निकाला, सपोज बैलेंस आ गया 7000, मीन्स रुपीज 7000 इज टू बी पेड टू मोहन, हमने मोहन के 7000 देने हैं। हर अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला सपोज 20000, यानी कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है 20000, ये कैश बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, लेजर में जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं उन सबका आप क्या निकालोगे, बैलेंस। कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाया जाएगा लेटर। दूसरा काम हमने क्या करना है, लिखा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट्स के हमने बैलेंस निकाल लिए, अब हमने क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। बच्चों ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखिए लेजर में जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं उन सब की बच्चों हमने एक लिस्ट बनानी है इस तरीके से कि राम अकाउंट है इसका बैलेंस है 5000, कैश अकाउंट है इसका बैलेंस है 20000, मोहन अकाउंट है इसका बैलेंस है 7000, इस तरीके से एक लिस्ट बनाई जाएगी। जितने भी लेजर में हमने अकाउंट्स ओपन किए हैं 10, 20, 30, 50 जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की आपने एक लिस्ट बनानी है कि जिस अकाउंट का बैलेंस इतना है इस अकाउंट का बैलेंस इतना है। इस लिस्ट को अकाउंटेंसी में क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। राइट बच्चों, ये सिखाया जाएगा आपको आगे कि हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस, फिलहाल मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। तो देखिए सेकंड स्टेप ओके, लेजर अकाउंट्स के हमने बैलेंस निकाल लिए, देन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब समराइजिंग में थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो बच्चों ये पूरी एक चेन है, प्रोसेस है। लेजर की हेल्प से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स भी कह सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब ये फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं बच्चों, फाइनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर। हर साल बनाते हैं और कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों बनाते हैं बच्चों, पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। हर बिजनेसमैन जानना चाहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या जानना चाहता है बिजनेसमैन, दो बातें जानना चाहता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है बच्चों सहमत हो, हर बिजनेस का मेन पर्पज क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द ईयर ही वुड लाइक टू नो हाउ मच इज द प्रॉफिट और हाउ मच इज द लॉस, मैंने साल में कितना कमाया कितना खोया, वो जानना चाहेगा। और एक बात मैंने आपको और बताई थी, नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट ओनली प्रॉफिट और लॉस, ही वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन, वो अपनी फाइनेंशियल पोजिशन भी जानना चाहेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने का पर्पस क्या होता है, टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब देखिए बच्चों फाइनल अकाउंट्स के भी आगे तीन कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट मैंने यहां पर क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड मैंने क्या लिखा है, बैलेंस शीट। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन पर है ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, पर्पस बच्चों, ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन दोनों को बनाने का पर्पस सेम है, एक ही पर्पस है दोनों को बनाने का। क्यों बनाते हैं, टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पता लग जाएगा कि हमारा कितना प्रॉफिट है। अब आप कहोगे जी फिर ये दो अकाउंट अलग अलग क्यों बना रहे हैं, इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता लगेगा, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस,
केवल ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता लगेगा, ग्रॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता लगेगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो अबाउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आएगा कि जी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? बच्चों डिफरेंस है, ये बातें हम आगे डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर हम करेंगे। फिलहाल हमने ज्यादा इनकी गहराई में नहीं जाना है। फिलहाल तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सब बातें आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बातें क्लियर होंगी। फिलहाल ब्रीफ में सुनना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में कह रहा था, हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 30,000 हो। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं विच आर नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। अगर उन एक्सपेंसेस को भी हम कंसिडर कर लें तो क्या पता नेट प्रॉफिट तो हमारा 25 ही है, ऐसा हो सकता है। तो बच्चों ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिलहाल तो आप ये ध्यान रखना कि डिफरेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता लगेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता लगेगा? नेट प्रॉफिट, राइट। अब थर्ड नंबर पे बच्चों मैंने क्या लिखा है? बैलेंस शीट। मैंने अभी आपको कहा था, एक बार मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेसमैन वुड लाइक टू नो नॉट ओनली अबाउट द प्रॉफिट और लॉस बट अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑल्सो। वो ये भी जानना चाहेगा कि आज 31 मार्च को, मैंने बताया था आपको, सपोज ये करंट ईयर है, समझ रहे हो बच्चों, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, तो 31 मार्च को वो जानना चाहेगा कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आज मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? मींस फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ही वुड लाइक टू नो हाउ मच इज द कैश बैलेंस, कि भैया मेरी दुकान पे कितना कैश बैलेंस है मेरी फर्म के अंदर आज। हाउ मच इज द बैंक बैलेंस, कितना मेरे पास बैंक बैलेंस है। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक, कितना मेरी फर्म में माल पड़ा है आज पीरियड में, 5 लाख का है, 10 लाख का है, कितना है। हाउ मच इज टू बी रिसीव फ्रॉम अदर्स, आज की डेट में मैंने कितना पैसा मार्केट से लेना है। एंड हाउ मच इज टू बी पेड टू अदर्स, आज की डेट में मैंने मार्केट का कितना पैसा देना है। बच्चों हमें पता है कि बिजनेस में क्रेडिट सेल भी होती है, क्रेडिट परचेज भी होती है, हम उधार खरीदते भी हैं, उधार बेचते भी हैं, लोगों से हमने लेना भी है, लोगों का हमने देना भी है। तो इन सब बातों को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल पोजिशन। एंड ऑल दीज इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाई प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का पर्पज बच्चों समझ आ गया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो 3 पॉइंट्स है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? फाइनल अकाउंट्स भी कह सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये था बच्चों समराइजिंग। देखो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? समराइजिंग में टोटल 3 बातें मैंने आपको कही हैं, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स के बैलेंस निकालने हैं, देन विद द हेल्प ऑफ लेजर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड देयर आफ्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो ये था समराइजिंग। तो देखिए बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात करें, अभी तक हमने 3 स्टेप डिस्कस किए, नंबर 1 रिकॉर्डिंग, नंबर 2 क्लासिफाइंग, एंड नंबर 3 समराइजिंग। अब देखिए मैं एक अकाउंटिंग साइकिल यहां पे बना रहा हूं। देखिए दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इट इज रिकॉर्डेड यू नो ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक्स। ये बातें हो चुकी है बच्चों डिस्कस। कोलेक्टिवली हम उनको क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
यहां पे रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो ट्रांजेक्शन कहां जाती है, लेजर में। बच्चों मैंने आपको कहा था इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग या एंट्री, एंट्री भी कह सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, लेकिन लेजर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पोस्टिंग। ये बात हुई थी पहले, तो ट्रांजेक्शन यहां पे रिकॉर्ड होगी, यहां पे रिकॉर्ड होने के बाद उसकी कहां पोस्टिंग होगी, लेजर में। लेजर में पोस्टिंग होने के बाद देन वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वी विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों देखिए एक साइकिल बन गया, इस साइकिल को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, या इसको आप अकाउंटिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक हो गया बच्चों। बिजनेस ट्रांजेक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगी, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, मैंने आपको बताया था। देयर आफ्टर इट विल बी पोस्टेड इनटू लेजर, इनकी हेल्प से लेजर बनेगा, लेजर की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और अगले साल फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस। बच्चों प्लस वन की अकाउंटेंसी में पूरा साल आपने यही सीखना है। मैं आपको कह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद, प्रोसेस पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लस वन की अकाउंटेंसी में हमने पढ़ना क्या है, यही अपना पूरे साल का सिलेबस है। कुछ दिनों के बाद जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था बच्चों आपको कि अकाउंटेंसी इज न्यूमेरिकल कम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल बातें भी होंगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। आप ये लगाइए कि पूरी अकाउंटेंसी हमारी इसी के ऊपर डिपेंड है, जर्नल। जिस बच्चे को जर्नल समझ आ गया उसको अकाउंटेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। जब आप जर्नल बनाना सीख जाओगे फिर एक चैप्टर हमारा आएगा सब्सिडियरी बुक्स, ये चैप्टर आपको करवाया जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर परचेज बुक, हाउ टू प्रिपेयर सेल बुक, हाउ टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक, हाउ टू प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक, एंड हाउ टू प्रिपेयर जर्नल प्रॉपर, ऑल दीज आर सब्सिडियरी बुक्स आपको सिखाई जाएंगी। बच्चों जब ये दोनों चैप्टर आपको पक्के हो जाएंगे उसके बाद एक चैप्टर आपको सिखाया जाएगा लेजर, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, हाउ टू मेक लेजर पोस्टिंग, कि यहां पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद कंसर्न अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होती है, ये चैप्टर आएगा आगे। जिस दिन आपका लेजर वाला चैप्टर पक्का हो गया फिर आपको एक चैप्टर करवाया जाएगा ट्रायल बैलेंस। ये सारे चैप्टर हमने करने हैं डिटेल में, मैं आपको कह रहा था, अभी मैं ज्यादा डीपली नहीं गया हूं, बातें मैंने ब्रीफ में बताई है, क्योंकि अगर डीपली हम ये बातें करेंगे तो इन बातों को करने में पूरा साल लगेगा, यही तो सिलेबस है हमारा एक साल का। तो लेजर के बाद एक चैप्टर आपको करवाया जाएगा ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में फिर एक चैप्टर हम करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आपको सिखाया जाएगा हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। और जब ये चैप्टर करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। आज आप सोच रहे होंगे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या फर्क है, ये डिफरेंस आपको समझ आएगा जब वो चैप्टर हम करेंगे। तो दिस इज सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ प्लस वन क्लास, ठीक है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिए बच्चों अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो और स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। प्रोसेस के अभी तीन स्टेप हमने डिस्कस किए हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ये रहा नेक्स्ट स्टेप, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है वो मैं बता चुका हूं, प्रिपेयर करने के बाद इनको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है। अब एनालिसिस का क्या मतलब है,
बेटा किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, अगर आप किसी कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, किसी फर्म के फाइनल अकाउंट्स चेक करते हो, तो फाइनल अकाउंट्स पर नजर डालने से एकदम आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उस बिजनेस के बारे में ज्यादा आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। अगर वाकई हम उस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वाकई हम उस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो वी विल हैव टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें उस फर्म के फाइनल अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। जब हम फाइनल अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे तभी हमें पता लगेगा। एक बात और बता दो कि देर आर सो मेनी पार्टीज इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। सपोज ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं जो इस कंपनी में इंटरेस्टेड होएगी। सोचिए कौन कौन इंटरेस्टेड होएगा। ओनर्स, बच्चों आपको पता है, लसन में आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर। यहां पे ओनर का मतलब है शेयर होल्डर, जिन्होंने कैपिटल लगाई है, तो ओनर्स हैं। एक मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर्स, ये बातें बच्चों आगे आएंगी, फिलहाल ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। क्रेडिटर्स का मतलब है, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बिजनेस में हम क्रेडिट परचेज भी करते हैं, क्रेडिट सेल भी करते हैं, तो क्रेडिटर्स का मतलब है द पर्संस और फर्म्स फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, उनको क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स। एक है बैंक, बैंक से हम लोन लेते हैं, अगर बिजनेस में हमें लोन की जरूरत है तो वी कैन ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक। एम्प्लॉइज, ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमारी फर्म में काम करते हैं, बदले में सैलरी लेती हैं। गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, एसेसमेंट ऑफ टैक्स, आपको बताया था मैंने। तो कहने का मतलब है देर आर सो मेनी पार्टीज इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, और भी पार्टीज हो सकती हैं, ये सभी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, ये सभी इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। अब सुनिए, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड इन सच ए मैनर सो दैट एवरी पार्टी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस लाइक दिस एंड दिस एवरी पार्टी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है सो दैट एवरी पार्टी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, ताकि सबको बिजनेस की, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, इसकी फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में क्लियर पता लग जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। और सबसे लास्ट स्टेप रह गया कम्युनिकेटिंग। बच्चों ये लास्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, रिकॉर्डिंग नंबर वन, नंबर टू क्लासिफाइंग, नंबर थ्री समराइजिंग, नंबर फोर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड नंबर फाइव लास्ट कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है बच्चों, हमारी कंपनी ने, हमारी फर्म ने जो फाइनल अकाउंट्स तैयार करे हैं, एनालाइज उनको कर लिया है, अब हमने क्या करना है, हमने अपना रिजल्ट समझ रहे हैं, हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमने अपना रिजल्ट लोगों को बताना है, यूजर्स। देखो ये सभी यूजर्स हैं, एक टॉपिक हमने इस चैप्टर में आगे डिस्कस करना है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। कोई कंपनी अगर अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है तो उन फाइनल अकाउंट्स को ये भी देखना चाहेंगे, पैसा लगा रखा है उन्होंने, कैपिटल लगा रखी है, जानना चाहेंगे, फाइनल अकाउंट्स को ये भी देखना चाहेंगे, उधार माल देना है तभी उधार माल देंगे, ये भी देखना चाहेंगे,
लोन दे रखा है, ये भी देखना चाहेंगे क्योंकि इनका फ्यूचर कंपनी के फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट भी देखना चाहेगी फॉर द एसेसमेंट ऑफ टैक्स। तो कहने का मतलब है देर आर सो मेनी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारे फाइनल अकाउंट्स को, हमारे रिजल्ट्स को ये सब देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है? टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स, टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। हमने अपना रिजल्ट इन सबको बताना है, ये लास्ट स्टेप है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे बताना है, अपनी बिजनेस की बातें हम क्यों किसी को बताएं? बेटा ये जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, मैं बड़े बिजनेस के एंगल से कर रहा हूं। आपने प्लस टू में पढ़ा होगा छोटा बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे बड़ा फिर पार्टनरशिप फर्म, और उससे बड़े लेवल पर होती है कंपनी। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी है बच्चों जिन्हें अपने फाइनल अकाउंट्स कंपल्सरीली पब्लिश करने पड़ते हैं, पब्लिकली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। लाखों लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है, शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा रखा है, इतने सारे लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो कुछ कंपनी के लिए हर साल अपने फाइनल अकाउंट्स पब्लिश करना, पब्लिकली डिस्क्लोज करना कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है। दिस इज कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस यूजर्स। तो बच्चों ये था अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक ओवर हो गया। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टोटल 7 पॉइंट्स मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस में हुए हैं 5 पॉइंट्स। एक बार ब्रीफ में आपको बता रहा हूं, देखिए बच्चों अगर प्रोसेस की बात करें, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग, सेकंड स्टेप मैंने बताया क्लासिफाइंग, थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया, आज ही डिस्कस किया है, समराइजिंग, उसके बाद फोर्थ स्टेप है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और लास्ट स्टेप हमने अभी किया है कम्युनिकेटिंग। टोटल 5 स्टेप्स बच्चों। जहां तक एज फार एज सिलेबस ऑफ प्लस वन अकाउंटेंसी इज कंसर्न्ड, हमने जो अपना पूरा साल लगाना है वो इन 3 स्टेप्स पर लगाना है। 3 स्टेप्स पूरा साल प्लस वन की अकाउंटेंसी में आपको ये 3 बातें सिखाई जाएंगी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, हाउ टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। यहां तक फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगला स्टेप है एनालिसिस, ये प्लस वन में नहीं करना। एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपने कहां पढ़नी है, प्लस टू में। बच्चों प्लस टू में आएगा, प्लस टू में एक यूनिट है आपकी, उस यूनिट का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये प्लस टू में आपको समझाया जाएगा। प्लस वन में आपने बस यही सीखना है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू एनालाइज, ये प्लस टू में करेंगे। और जो लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग, ये तो कोई न्यूमेरिकल स्टेप नहीं है। तो हमारा पूरा साल जो फोकस है वो 3 स्टेप्स पर रहेगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। बच्चों आई थिंक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और पूरा साल हमने क्या पढ़ना है। एक क्वेश्चन मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था, अकाउंटिंग का मीनिंग या इसकी डेफिनेशन। पहले दिन जो मीनिंग मैंने बताया था वो एक जस्ट रफ आइडिया था, वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था। तो बच्चों कल के लेक्चर में आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया जाएगा, अकाउंटिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई जाएगी। वैसे अकाउंटिंग की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद आपको लगभग मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो कल के लेक्चर में क्या करेंगे, अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।